8 नवंबर 2016 वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज से रद्द किए जा रहे हैं। उसके बाद पूरा देश कतार में खड़ा नजर आया। बैंक और एटीएम पर कभी खत्म न होने वाली कतारें नजर आने लगी। मैं तो काफी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ, बहुत समस्या हो रही है और इस चीज को कोई भी नहीं समझ रहा है। कोई भी अथॉरिटीज, कोई भी जो बैंक्स है, कोई भी नहीं समझ रहे हैं। और जब हमें रोज लगानी, प्रतिदिन जिस तरह से हम खाना पानी पीते हैं, उसी तरह से रोज सुबह मुझे लाइन लगनी पड़ती है। उस समय जनता की हालत ऐसी थी कि ना सहा जाए और ना कहा जाए। ये जो हो रहा है वो बहुत हमारे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। इस तरह रहेगा तो आज ही भूखा मरना शुरू हो जाएगा, काम रोजी नहीं चलेगा। बहुत समस्या है, एक रुपया भी नहीं घर में, जैसे तनख्वाह आदमी लाया ऐसे कैसे पड़ा है, भूखे प्यासे हूं। 3 घंटे होले में यही खड़े खड़े भाई, 2 घंटे के अंदर कैश खत्म हो गया, ऐसा कैसा कैश बांट रहे। नोटबंदी को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट, महंगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सरकार का उठाया ये कदम कितना सफल रहा। जिस समय पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया, उस समय 15.41 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट सफेद धन के रूप में बैंकों में वापस लौटे। जो नहीं लौटे वो केवल 10,720 करोड़ रुपए थे। मतलब साफ है, पुरानी करेंसी के रूप में जमा काला धन सिस्टम से बाहर आया ही नहीं। नोटबंदी से ठीक पहले लोगों के पास 17.74 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। 5 साल बाद अब लोगों के पास करीब 28.30 लाख करोड़ रुपीस की करेंसी है। यानी आज देश में 10.33 लाख करोड़ रुपए नकदी ज्यादा है। कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। पुरानी करेंसी रद्द करते वक्त सरकार ने काला धन बड़े नोटों के रूप में जमा होने की बात कही थी, लेकिन 5 साल बाद बड़े नोटों का हिस्सा कम होने की जगह बढ़ गया है। नोटबंदी के समय देश में मौजूद कुल नकदी में 85% नोट 500 और 1000 रुपए के थे, लेकिन नोटबंदी के बाद बड़े नोट तेजी से छपे और 5 साल बाद 500 और 2000 रुपए के नोटों का हिस्सा 85.7% तक बढ़ गया। नकली नोटों पर लगाम लगाना नोटबंदी का एक बड़ा उद्देश्य था, जिसके चलते 500 और 2000 रुपए के अलावा बाकी करेंसी के भी नए नोट जारी किए गए। लेकिन नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 56% हिस्सेदारी 2000 रुपए के नए नोटों की ही थी। नोटबंदी के वक्त ये बातें बहुत जोर शोर से कही गई थी कि इससे काला धन वापस आएगा, फेक करेंसी पर लगाम लगेगी और आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन नोटबंदी के 5 साल बाद जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो उस वक्त किए गए वायदों पर खरे उतरते कहीं भी नहीं दिखते। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।